जम्मू से लेकर नेशनल हाईवे पे अभी भी ट्रैफिक जो है वो मुसलसल बंद पड़ा हुआ है, जहाँ पर हमने आपको दिखाया कि पैंथियाल के इलाके में जो है कई लोगों ने ज़रूर सवाल उठाया कि खाने पीने के हवाले से, लेकिन जिस तरह से हमने रामसू के इलाके में देखा, यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या तहसील एडमिनिस्ट्रेशन या जो रामसू सब डिवीजन मजिस्ट्रेट की जानिब से जो है यहाँ पर खाने पीने के बेहतर इंतजाम किए गए हैं। और हमने स्कूलों के अंदर जो है जायज़ा देखा कि वाकई में लोगों को जो है एक तसल्ली बख्श अंदाज में जो है खाने पीने की चीज़ें जो है वो दस्तियाब रखी गई है। यहाँ QRT रामसू की बात करें और जो कुछ वर्किंग एजेंसीज के भी जवान हमने वहाँ पर देखे और एक क्लोज यानी कोऑर्डिनेशन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है ऑन द डायरेक्शन ऑफ यानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या जो रामसू की एडमिनिस्ट्रेशन है। तो कहीं ना कहीं एक तसल्ली बख्श अंदाज में लोगों को खाने पीने के हवाले से एक बेहतरी जो है वो देखी जा रही है, और जिस पर कि कई लोगों ने जो है इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा किया। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम नेशनल हाईवे की बात करते हैं तो अभी भी नेशनल हाईवे को खुलने में मज़ीद कुछ घंटे लग सकते हैं, जिस तरह से शेरी के मकाम पे या बैटरी चश्मा डिगडोल और इसके साथ में जो पैंथियाल का इलाका है रामसूप से लेकर बनियाल तक दर्जनों जगहों पर जो है छोटी बड़ी स्लाइड जो है वो गिर कर आ गई है, जिसके चलते जो है जगह जगह पर काम जारी है। उम्मीद है कि मौसम अगर साजगार रहता है और जिस तरह से मशीनरी को जो है बरोएकार लाया जाएगा तो उम्मीद है कि मुस्तकबिल में जो है बहुत जल्द जो है कौमी शाहरा को खोल दिया जाएगा। रामसू पैंथियाल से कैमरा पर्सन ज़ैद राजा के साथ आरिफ वहीद, गुलिस्तान न्यूज़। यहाँ पर मुतद्दिद पैसेंजर्स की भीड़ देख रहे हैं तो क्या कुछ इंतजाम है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं? देखिए, कल से जब से हाईवे क्लोज हुआ है उसके बाद यहाँ पैसेंजर्स जो थे बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड हो गए थे जी। तो उनके लिए हमने यहाँ फैसिलिटेट किया था, हाई स्कूल में भी और प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग में, इसके अलावा मस्जिद में भी कुछ लोगों को हमने एडजस्ट किया था जी। तो उनके लिए हमने रात में खाने का भी अरेंज किया और इस वक्त भी मॉर्निंग में भी ब्रेकफास्ट में अरेंज हुआ जी। तो इसमें हमारी QRT भी